दोस्तों काल का तूफान पे देखिए क्या हाल हो चुका है। पूरा ट्रांसफार्मर गिरा चुका है। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक इतना बड़ा सा पेड़ गिर के पूरा घर पर टूट के जो नया ट्रांसफार्मर था वो भी पूरा गिर के दोस्तों बर्बाद हो चुका है। देखिए कितना बड़ा पेड़ गिरा है। काल का रात का जो तूफान आया था उसमें हम लोगों जो ट्रांसफार्मर था दोस्तों वो बस लगा के एकदम नया, देखिए ये लगा के सिर्फ 3-4 महीने हुआ था। इसका क्या हाल हुआ है देखिए, पूरा खम्बा फम्बा टूट के वायर फायर पूरा टूट गया है। देख रहे क्या हाल हो चुका है, पूरा नया ट्रांसफार्मर है, इतना बड़ा सा पेड़ इसके ऊपर गिर के पूरा टूट चुका है दोस्तों। अभी और भी आप लोगों को दिखाना है जो कल रात का जो तूफान आया था उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है, हम लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है, बाहर का क्या हुआ है। देखिए दोस्तों जो टारपाल है, टारपाल भी पूरा फट चुका है, नया नया टारपाल पूरा हवा में उसको फटा दिया है, पूरा टारपाल को। सब घर में एकदम बुरा हाल हो चुका है दोस्तों। देखिए टैंक का कैप है वो भी उड़ के नीचे गिरा हुआ है। मतलब कल का रात को जो तूफान आया था दोस्तों बहुत ही खतरनाक तूफान आया था, बहुत ज़ोर से हवा मार रहा था, साथ में बारिश भी था। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे पेड़ गिर के टूट के गिरा हुआ है। सब घर का दोस्तों किसी किसी घर में तो ज़्यादा ही नुकसान हो चुका है, किसी किसी घर में उतना नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों एकदम मतलब क्या बोलूँ। और देखिए क्या हाल है, देखिए इतना पेड़ गिर चुका है, सामने भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ओ देखिए वहाँ पर भी एक बड़ा सा पेड़ टूट के गिरा है। आज दोस्तों हम लोगों के यहाँ पर लिफ्टिंग भी है और आज ही कल रात को ही ये घटना हो चुकी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी कितना बड़ा सा पेड़ टूट के गिरा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक बड़ा सा पेड़ टूट के गिरा है। मतलब बहुत काल का रात का जो तूफान है दोस्तों बहुत सिर्फ हम लोगों को नहीं है, पास पर जो गांव है दोस्तों वहाँ पर भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बहुत जोर का धमाका था दोस्तों कल रात को जो तूफान आया था, बहुत ज़ोर से आया था। अभी देखिए दोस्तों घर के अंदर अभी रनिंग बैच है, मतलब आज ही इसका लिफ्टिंग होना है। देखिए अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको, अभी ये रेडी हो चुका है दोस्तों लिफ्टिंग के लिए। आज जस्ट अभी इसको लिफ्टिंग होगा और कल रात को ही इसको पूरा हवा फवा मार के आप लोग अंदर से देखिए पूरा टारपल फरपल पर उड़ा के क्या हाल कर चुका है। आपको थोड़ा उस तरफ पर दिखाऊंगा क्या क्या हुआ। देखिए टारपल वो सब नीचे गिर चुका है। ये देखिए दोस्तों टारपल का हाल देखिए कैसे फटा है। देखिए दोस्तों तो आप लोग सोचिए कितना ज़ोर से तूफान आया हुआ कल रात को, आप लोग सोचिए। देखिए ये घर में भी दोस्तों अभी मुर्गियां है, ये घर में भी आज लिफ्टिंग होने वाला है। थोड़ा थोड़ा जो बारिश का पानी है दोस्तों वो भी अंदर गया है रात को। टारपाल देखिए नीचे गिर चुका है, सिर्फ सेंटर वाला जो आप लोग देखे लगे हुए उसमें दोस्तों तार बंधा था तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर का जो तार तो नहीं बंधा था, ऊपर का सिर्फ हुक था तो हुक खोल के नीचे गिर गया है। और कुछ कुछ जगह पर टारपाल तो पूरा फट गया है, आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों आज इस घर में लिफ्टिंग होने वाला है, तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा बाहर भी देखूँगा। ये देखिए दोस्तों रास्ता पे बाहर का जो रास्ता है, रास्ता पे भी पेड़ गिर के रास्ता जाम हो चुका है दोस्तों। देखिए हम लोग का जो फेंसिंग है साइड का वो भी टूट चुका है पेड़ गिर कर। वो देखिए बिल का उस पार जो आप देख रहे हैं उधर भी देखिए कितना बड़ा सा एक पेड़ गिरा है। देखिए
अभी चलिए तो सामने भी जाऊंगा। अभी दोस्तों यही रास्ते पे हम लोगों का जो बॉयलर के लिफ्टिंग का जो गाड़ी है यही रास्ते पे आते हैं। अभी देखेंगे सामने जाके कि रास्ता का हाल क्या है। यो देखिए दोस्त यहाँ पर भी बांस का जो पेड़ है वो गिर के अभी यहाँ पर भी रास्ता बंद हो चुका है। देखिए दोस्तों वहाँ पर जो बिल पे जो लोग मछली पालते हैं मछली का जो बॉर्डर दिया था बांस का वो भी टूट के गिर चुका है। देखिए क्या हाल हो चुका है कल रात, मतलब अभी दोनों बिल का जो मछली है वो एक हो चुका है, ऐसा हाल है। डिवाइड करके रखा था लोगों ने, दोनों बिल के मालिक अलग अलग है तो, लेकिन अभी ये टूट के अभी दोनों मछली एक हो चुका है। देखिए दोस्तों हम लोगों का जो बॉयलर का गाड़ी आप लोग देख सकते हो, देखिए बॉयलर का गाड़ी आ चुका है। तो अभी वो गाड़ी आने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर थोड़ा रास्ता बना चुके हैं, जो रास्ता जाम हो चुका था वो रास्ता काट के अभी थोड़ा सा उसको रास्ता फास्ता बनाने का काम चल रहा है ताकि गाड़ी अंदर ले सको हम लोग। तो दोस्तों देखिए अभी जो रास्ता जाम हो चुका है इसको अभी काट के हम लोग को हटाना पड़ेगा ताकि बॉयलर की गाड़ी अंदर जा सके। तो दोस्तों भाई वीडियो पे इतना ही दिखाना था कि कल रात का तूफ़ान में क्या क्या नुकसान हो चुका है हम लोगों का हो या तो गांव का लोगों का हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।